यार सुबह जैसे ही आंखें खुलती है ना, यकीन मानो मतलब पूरी प्लानिंग्स दिन में शुरू हो जाती है। आज पूरे दिन क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है, और प्लानर एक ऐसा बनकर विजुअल सा तैयार हो जाता है दिमाग में। वैसा अगर नहीं हुआ ना पूरे दिन, तो दिन के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील होता है। बट इट्स ओके, दिन तो अब बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हाय, मेरा नाम है आरजे कोमल। मैं हूं आपके साथ मेरे यूट्यूब चैनल आरजे कोमल टॉक्स पर, मेरे पॉडकास्ट हेलो जिंदगी में। तो जब भी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है यार अब पूरा दिन बीत गया, जो नहीं काम हुआ और जिस काम को कम वक्त देना था वहां ज्यादा वक्त चला गया, तो अब क्या किया जाए, अब तो सोने का वक्त आ गया है। नींद को बर्बाद कर नहीं सकते, वरना दूसरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा। तो कोई ना, सिंपल सा एक काम करो, बैठो और सिर्फ ये सोचो, जिस काम को आपने वक्त दिया क्या वो ज़रूरी नहीं था? और सिर्फ ये सोचो कि जिस काम में आपने ज़्यादा वक्त दिया क्या वो ठीक नहीं हुआ? देखो, अगर वक्त देने के बाद कोई काम ठीक नहीं होना तो डिसअपॉइंटमेंट बनता है, लेकिन वक्त देने के साथ ज़्यादा वक्त भी लग जाए पर काम परफेक्टली हो जाए ना, तो फिर तो डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे हर प्लान काम करें ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़रूरी बस ये है कि हम प्लान्स बनाते रहें और उन पर काम करते रहें। आज नहीं तो कल वो पूरे होंगे ही, क्योंकि हमने ठानी है उनको पूरा करने की। फिलहाल के लिए जो काम अभी अधूरे रह गए ना आज के दिन के, लीव इट यार, कल पूरे करना। सुबह जल्दी उठना एक घंटा, ताकि टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओ। लेकिन अभी डिसअपॉइंटमेंट के साथ मत सो, अभी ना गहरी सांस लो और इस थैंक यू बोलो इस दिन के लिए, और बस अच्छी अच्छी नींद नहीं ले लो। फिलहाल के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना। और हाँ, जो भी चीज़ें जो शुरू करनी थी, प्लानिंग्स हैं कल के लिए, या अभी भी कुछ मन में आ रहा है कि नहीं यार कुछ लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, या फिर वो रील्स ही देख लेते हैं जो मैंने बहुत वक्त से सेव करके रखी है, तो देख लो ना यार, वक्त मत गवाओ, क्योंकि वक्त निकलता जाता है और बीत जाता है, पता भी नहीं लगता। ख्याल रखो अपना और सुनते रहो आरजे कोमल टॉक्स पर, मेरे पॉडकास्ट हेलो जिंदगी में। कमेंट करके बताना, अच्छा लगा ना।